जी अब आप ये बताइए कि आपने ठेकेदारी कब स्टार्ट की, आपने ठेकेदारी कहाँ कहाँ की और आपका क्या एक्सपीरियंस रहा ठेकेदारी के बारे में। देखो, हम चार भाई थे। चार भाई, हमारा बड़ा भाई, उससे छोटा भाई, वो चिरांग का काम करते थे। बड़े दो भाई चिरा काम वो करते दो ही भाई चिरांग के नाम पढ़ते, वो पढ़ा हुआ नहीं था कुछ। वो डोरी शोर थोड़ा सा पढ़ा हुए थे, थोड़ा थोड़ा पढ़ा हुआ था। और मुझे मैं जो था, मेरा नाम ताराचंद है और मुझसे छोटा मेरा बड़ा, उसका नाम भार सिंह है। तो भार सिंह को भी थोड़ा थोड़ा पढ़ाया गया और मुझे भी मेरे पिताजी ने वहाँ प्राइवेट स्कूल बुढ़ाकर में तालीम दिलाई। प्राइवेट स्कूल था उस टाइम पे गुड़ागांव में। प्राइवेट था, प्राइवेट सरोड़ बाग का जगन्नाथ मास्टर था वहाँ, उसको पैसे देते थे फिर पढ़ाते। अच्छा, हाँ, तो कौन सी क्लास में पढ़ा आपने उस टाइम पे? अच्छा, वहाँ पर हमने चौथी तक पढ़ा, फोर्थ चौथी तक पढ़ा आपने। चौथी तक। लेकिन चौथी में एक डाकिया हमारा इंटरव्यू लेने, चौथी वालों का, तो दो मेरे आगे थे इंटरव्यू, उन्होंने उसने सवाल किया कि शेर रोई ज़्यादा कि शेर रो, उसमें शेर का सवाल था, ये समझ तीनों गया का मैं। ये था। तो मुझे दो आगे थे, उन्होंने कहा जी लोहा वजनदार है, लोहा लो ज़्यादा। ज्यादा होगा। तो तीसरे मेरे नंबर आ गया, तो मैंने कहा ये क्या दोबारा क्वेश्चन करो। वैसे उसने किया, तो तुम ये बताओ शेर लोहा ज़्यादा कि शेर रोई। तो मैंने कहा वजन है बराबर, लोहे का वजन होता है ज्यादा, वो होता है थोड़ा, रुई का वजन होता है क्या नाम, रुई का वजन खोले जो बोल रहा हूँ, हल्का। हाँ रुई का होता है हल्का, उसका फैलाव होता है ज्यादा, तो वजन बराबर। उसने इस तरह कहा शाबाश शाबाश। तो मुझे ये पूछा गया था, इतना ही बस, इतना ही था। और लड़के थे चौथी में, तो फिर उसने पूछा नहीं। बाकी औरों का जो था चौथी से नीचे तीसरी वगैरह, उनको भी पूछा पास किया था। मुझे इनाम क्या मिला, तीन पांच पेंसिलें, तीन होल्डर, तो तीन दुआते, वाह वाह। ये मिला मुझे इनाम। तो उस टाइम पे स्कूल कौन सी क्लास तक था गुड़ाका में? चौथी तक यार, सिर्फ चौथी तक स्कूल था, चौथी तक प्राइवेट, वो भी अपने वो भी प्राइवेट। पैसे देने ना, अपने घर से अच्छा पेमेंट पर था ना, अच्छा वो अच्छा गवर्नमेंट स्कूल थोड़ा था वो। तो दादाजी जो आपके पिताजी थे वो भी तो पढ़े लिखे थे। हाँ कौन हमारे पिताजी? हाँ, डोगरी डोगरी लिखेगा, वो डोगरी पढ़े वो तो लिखे। मैंने सुना वो कोर्ट में काम करते थे अर्जुन मिश का। सच्ची बात है ये? नहीं, कौन नहीं, अच्छा नहीं। ठीक और है बता, ठीक है। तो फिर इसके आगे। बाद फिर क्या हुआ? जब ये हुआ था 1999 की बात है, तो ये हमारे जो भाई थे दो, 1999 थोड़ी ना। 99, 1999, नहीं, 1899, 1899 होगा। 1899 की बात हुई कि इधर शिमला में हमारी कंपनी थी जोधा मान, अच्छा। उन्होंने काम लिया था इधर शिमला में, शिमला वैली में। तो उन्होंने ऐसा किया कि वो उधर चले गए, तो पीछे रह गए। हमारी छोटी बहन थी एक, इसका नाम किशन देवी था, और एक मैं घर रहा था हमारी माता जी और पिताजी जिम्मेदारी में। मैंने जब हमने चौथी पास कर दी, पांचवी क्लास, वहाँ कहाँ थी, थी नहीं, वो थी बीरडू में थी, 1200 आगे का स्कूल था, वो भी वो था गवर्नमेंट स्कूल बीरडू अच्छा। में। तो मैंने कहा पिताजी मुझे पढ़ना था, पढ़ना था, अच्छा पढ़ना था। कहते यार वह पढ़ना छोड़ो, अब जिम्मेदारी का काम करो, अब ये तो चलेगी, अब जिम्मेदारी कौन करेगा। एक साल तो मैं उन्होंने मेरा तोड़ ही दिया, तो मैं लगा उस जिम्मेदारी में। दूसरे साल में जिद, मुझे जिद चढ़ गई, मैंने कहा मैंने पढ़ना है, तो मैं दाखिल हो गया। फिर उन्होंने दाखिल करवाया बीरडू में, गवर्नमेंट बेडरूम में। वाह, स्कूल में। तो ये वहाँ तो बड़ा दूर है, कम से कम 12-13 किलोमीटर होगा, हाँ, 12 पंद्रह तेरह पंद्रह किलोमीटर किलोमीटर होगा शायद हमारे हाँ, घर वो से। बीच अच्छा। में डेरा था हमारा, एक रिश्तेदार है हरिचरण, वो भी ठेकेदार था, उसके भी लड़के पढ़ते थे, तो मैंने उसका नाम मंडेला है, वहाँ उन्होंने डेरा रखा, मेला में डे रखा था आपने। वहाँ डेरा रखा, वहाँ से उनके साथ जाते ही रहे। अच्छा पांचवी वहाँ पास हमने कर ली, अच्छा पांचवी क्लास मैंने वहाँ पास कर ली। पांचवी क्लास पास की, तो छठी क्लास में फिर भद्रवाह आना पड़ता था,
भद्रवा में, तो मैट्रिक भद्रवा का जो मैट्रिक भद्रवा स्कूल था, तो मैट्रिक का लाहौर जम्मू में भी, लाहौर में कोने पास करते थे मैट्रिक, मैट्रिक असल लाहौर में पास करते थे, उधर कोई स्कूल नहीं मैट्रिक पास कर इंडिया में। अच्छा, मैट्रिक पास लाहौर। जब मैंने वो पाँचवीं पास कर ली, तो जो हमारे जो भाई थे, हमारे पिताजी ही उनके पास ये सिक्के के रुपये थे, जब ये नोट निकले तो सिक्के के रुपये थे उनके पास चांदी के, हजारे पंजे में हुआ कोई दो गुजरो वो थे। तो वो जो ठेकेदार थे, वो रिसेंट ठेकेदार, उसका भाई कुंजलाल था, वो अब पिताजी से पैसे ले जाते तो वो मजदूरों को बांटते थे, वो मजदूरों को देते, किसी का बेल मर गया उसको पैसे देने, किसी का घर में बीमार है वो दे। तो मुझे कुछ क्रोध आ जाता, मैंने कहा पैसे हम देते हैं ठेकेदारी है, ये क्या मुसीबत है। तो मैं उनके साथ लड़ाई शुरू कर दी, मैं पिताजी के साथ, मैंने पिताजी रुपये तो आप देते हैं तो फायदा ये उठाते हैं, ठेकेदारी है रुपये आप देते हैं तो क्या फायदा। मैंने कहा हमारा भाई जो है ये दो, एक तो पढ़े वो, उसने नहीं पढ़ा है, एक बड़ा भाई है तो डुबरी जानता, इसी को दे दो, यही कुछ करे, यही ठेकेदार बने, क्या फर्क पड़ता है। उन्होंने कहा नहीं यार छोड़ दे, ऐसा नहीं करेंगे हम, हमारी बहस होती रही आपस में। माता जी हमारी हमारे हक में थी, कहते ये ठीक कहता है, ये दुरुस्त बात है, लेकिन वो कहाँ मानते थे, नहीं माना उन्होंने। फिर जब वो हमारे भाई साहब वापस आ गए घर दोनों दिसंबर में, तो मैं शुरू हो गया, इस मैंने कहा एक बात करता हूँ, कि बात आपको करता हूँ, इस बात पिताजी से पैसे कुछ ले जाता हूँ तो नफरी बनाता हूँ, मेरी 25-30 ले जाता हूँ, मैं भी उधर से बुला दे। अच्छा अच्छा हाँ, ये मेरे मन में आई बात, मेरी मैंने पिताजी से कहा, मैंने कहा मेरी पैसे देता हूँ, किस लिए, मैंने कहा मैं कुछ नफरी बनाऊँगा और ले जाऊँगा। यार क्या कहता है तू, जो लोग जो है जो चीरान करके इतनी मजदूरी करके ये गुजारा कर रहे हैं, इतने पैसे ला रहे हैं, इतने हजार को पाल रहे हैं, तो तू बड़ा हो गया, ऐसे तो बनेगा ठेकेदार, कैसे बनेगा, मुझे क्या बाहर इस बार, तू इधर ही से लेता है, उधर से कहाँ देता, वो देने वाले दो हो रहे हैं, वो बिल्कुल नहीं, कोई पैसा नहीं मिले। मैंने कहा अच्छा नहीं मिलेगा अब क्या करूँ। फिर जब ये होगी बात, और मैंने चीके वाली बहन थी वो शादा जुदे खुदा थी, उसे कहा कि बहन जी जरा मेरी इमदाद कर, मैं कैसी इमदाद, मैंने कहा ऐसी बात, मैं मुझे ये ठेकेदारी करना चाहता हूँ, मैं लेबर ले जानी चाहता हूँ, तो पिताजी पैसा नहीं देता, फिर मैं आऊँगी चलो कोई बात। वो आ गई शाम को, शाम को आए तो माता जी भी मेरे हक में थे, अगर ये ठेकेदार बने तो अच्छी बात है। उसके बाद मालूम वो दो जो हमारे भाई थे दोनों, वो भी थे घर पर, हमारा बड़ा मकान है, मकान में बड़ा एक हाल है, उसमें को भारी है, तो हम बैठे, तो बाद में छेड़ दी, मैंने कहा भाई ऐसा तो करें। तो जो हमारा बड़े भाई थे छोटे भाई, वो भी मेरे हाथ में हो गए। बड़ा भाई तो पिताजी ने माने, अच्छा यार तू तो इधर से लेता उधर से, तेरे पर क्या इतबार है, तो तू क्या नाम ठेकेदारी करेगा, वो दोनों ने माने। फिर हम हो गए कितने, मैं एक, मेरी माता जी दो, बहन जी तीन, तो छोटा भाई हो गए चार, हमारे वोट ज्यादा हो गए। हमारी जो बहन थी क्या नाम चाहिए वाली, वो बड़ी तेज थी, अच्छा बहुत तेज, उसने कहा पिताजी आपने देने पैसे कि नहीं, बात करो सीधी उस भाई साहब को, भाई तुम जरा सोचो, जब कर रहा है ये भी ठीक कहता है, रुपये देते हैं आप और ठेकेदार बनते हैं दूसरे, मुफाद उठाते हैं, ये ठीक कह रहा है, दे दो इसको पैसे, नहीं माने, न माने, नहीं जी मैं नहीं देता। वो ठीक हो देख मैं लाती कुल्हाड़ी, तेरा ये समझो फाड़ कर यहाँ से पैसे निकालूंगे। अच्छा करेगा हाँ, तेज होगी। माता जी भी कहा नहीं भी कहा कि चलो हम ये ठीक है, फाड़ो इसका समझो। अब बुढ़े वो छोटा भाई था, भाई था जो दीवान से छोटा था, वो कहते मैं भी तो ठीक देने 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 फिर आपको पाने की तरह मजबूर हो गया, बता बता जी मजबूर हो गया, अब क्या करेंगे, सारे मेरे मकर हो गए। फिर ऐसा किया कि उसने फिर कुछ नहीं, 5,000 रुपये 5,000
5,000 रुपया दिया, तो मैंने 5,000 रुपये में वो 30 नफर बना लिए। 30 नफर बना लिए तो अप्रैल महीने में ले गया मैं शिमले के लिए। पैदल चले गए पटोरा, वहाँ सुंदर सिंह के साथ सराज का उसकी धर्मशाला थी, वहाँ बैठे बैठे रात को। पैदल कोई गाड़ी चाड़ी वहाँ तक जाती थी, होगा भरवा तक रहे। ये हमारा ये मठोले का है, उस कंपनी में था जोधावल कंपनी में ठाकर लाल ब्रह्म मानी थे, तो उसने वहाँ पर डाकखाने की जगह में वो डाकखाने मकान बनाया था। तो वो उधर से निकला तो हमने उसको रामचंद्र में जानता था उसको, बाकी और जो हमारे साथ थे चीजें वो भी जानते थे बुढ़ाके, क्योंकि वो बुढ़ाके उसके एक मौसी था कीर्तन, उसके आता जाता था, उनको उसके बात की थी, उनको नमस्ते नमस्ते की। तो तुम लोग कहाँ जा रहे हो पूछा, कहते जी हम जा रहे हैं शिमला। कहाँ कैसे क्या जा रहे हो शिमला किसके साथ? कहते जी तारा सिंह ठेकेदार है। कौन सा है वो तारा सिंह? कौन पैदा हुआ ये? कौन सा तारा? खड़ा था ये भाई, तू तेरा नाम तारा सिंह मिल गया तो कहाँ का? मैंने कहा चुराई हूँ, मैं चुराई हूँ। दीवान चंद कौन होता था? मेरे भाई। वो फकीर चंद का क्या हाल है? मैंने कहा ठीक, उसका उम्र शहर होगा फकीर बड़े में पटा के ठीक है, दीवान चंद भी ठीक है ठीक, तो उसका भाई है। मैंने कहा तू क्या कर रहा है? मैंने कहा जनाब ले जा रहा हूँ। किधर ले जा रहा है? मैंने कहा शिमला ले जा रहा हूँ। वो किसके काम पर ले जा रहा है यार, किस कंपनी के साथ? मैंने कहा पर हमने कोई नहीं और क्या है। मैंने कहा वहाँ दो तीन कंपनियाँ, एक घूमे एक कपड़ा दूसरे ग्राम में आता है, एक अजोधा बन, तो जिसका जंगल अच्छा होगा, मैदान होगा, पानी होगा, दरख्तान अच्छे होंगे यार काइल के, तो उस उसके वहाँ चला जाऊँगा। तो चुप हो गया, चुप हो गया। ठेर के बोलता है भाई एक बात मेरी सुन, क्या? भाई हमारे लाले का काम है उधर, उसे लीज ली है वहाँ जंगल में रोड से, वो कुछ 10 मिनट ऊपर जिसका नाम ग्वास है, गांव का नाम, उसे ऊपर है जंगल, जंगल है फर साल तो फर और रही, मैदान है बड़ा भारी बूटा नहीं है, तो 8-8 से 3 निकलने वाला, 6 से 3 निकलने वाला, उसे नीचे नीचे सारा है, तो दो से 3 निकालना, 3 किलो 4 किलो ये, तो तुम्हें ले जाओ उधर। मैंने कहा जी नहीं, मैंने मानता वो सल तो पता नहीं ये चीज जानी करे ना करे, होता बड़ा सख्त यार कमाल है, सख्त इतनी चीरान करते हैं, मडियाल करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। कहा उसने मैंने नफरी उसे वो मिस्त्री देते, मैंने कहा ये सड़क के रहा क्या सड़क, कहते जी जार कर के जंगल नहीं, कहते नहीं नहीं है, नीचे नीचे है और वो दूर दूर है कहीं कहीं, वो कुछ है फर है फर ही है। सो जाकर ठीक है, तो जंगल कैसे वो लगे जो मिस्त्री से हमारे साथ, उन्होंने कहा जंगल कैसे, उसने उनको भी कहा कि जंगल मैदान है, पानी में है, सब ठीक है, गोदाम भी नजदीक है जहाँ से तुमने गला लाना है। तो ऐसे कुछ डेले पड़ गए सारे। मैंने कहा क्या करना है उसे, मैंने बात यही की, कहते हैं तो तुम सोच लो हम क्या कहेंगे, देख लो अगर ये कहता है तो अभी मठोले का है भदवा का क्यों हमें धोखा देगा, अगर कह वो चला गया मुझे अपने मकान में वहाँ से, तो मैंने उसे कहा तुम सोच कर सुबह हमें पता दे रहे हैं, हमें कहा अच्छा हाँ सोचते हैं करते हैं आपस में विचार करेंगे। जहाँ 10 मिनट हुए तो उसने वहाँ से और चपरासी बैठा अच्छा उसको बुलाओ मुझे ले गया, चलो मैं रोटी दे तो पहले इसको चलो ये लंगर जब अमल का फ्री होता था लंगर में जाना रोटी रोटी खोलाई, कहता मैं जब आपसे वापस आके मैंने लाला को कॉल कर दी, जम्मू में है हमारा वो जो दम उसको कॉल कर दी, ऐसा सब मामला है तो क्या मैं नफरी भेजूँ तो क्या क्या करना, कहता तू अब बेवकूफ़ है ऐसे आदमी बगैर पेश किया है तो पूछने की क्या बात है,
फौरन भेज दे, फौरन भेज दे। एक बात कर, बुलडोजर से गाड़ी जाती थी नहीं, जब एक चपरासी इनके साथ भेज दे और किराया श्रेय खुद दे दे। अच्छा, 30 आदमी है, तब बस होती क्या थी तब? तब बस होती थी, बस बस होती था। अच्छा, बस थी दी। अच्छा, किराया दे दे इन 30 नफरी का, 30 नफरी का ठेकेदार का भी दे दे, फ्री आना जाना, फ्री गाड़ी लेबर को बता दे। अच्छा, कोई पैसे नहीं दे दे, तो जबरा साथ दे दे, जम्मू पहुँचा दे, यहाँ से फिर आगे जाएंगे। ऐसे ऐसे कहा भाई, मैंने कहा सर कोई बात नहीं, ठीक है। आए मैं वहाँ पर रोटी खा कर से सवेरे में करते काम, जाते आए मैं सो गया, जम्मू पहुँच गया, धर्मशाला में बैठ गया रात को। रात की बात है, शाम की सुबह हो गई तो आ गया जी, गाड़ी की बुकिंग, उन्होंने की बुकिंग तो वहाँ से नगरी बैठाई, उन्होंने बैठा पहुँचे जम्मू। अच्छा, जम्मू पहुंचे तो वहां से उन्होंने किराया दिया पठानकोट का, तो वहां से एक चपरासी साथ पहुंचे पठानकोट, पठानकोट से दूसरा चपरासी ट्रेन में बिठा कर हमें पहुंचाया शिमला। अच्छा, पहुंचाए हमें शिमला। जब शिमला हम पहुंचे तो उनकी कोठियां हैं वहां पे, वहां दफ्तर में बैठा, मुझे बिठाया, रोटी खिलाई, ये वो सब ठीक ठाक। वहां से पैदल चलना था शिमला से कोई 70-80 किलोमीटर मील। अच्छा, रोड जगह एक है, यहाँ तहसील बनी हुई है, तो वहाँ से रोड जगह कोई 8-10 मील जंगल था। अच्छा, बस चिड़गांव, गांव का नाम चिड़गांव, जंगल का नाम ग्वास। अच्छा, रिखाई तो सो पर लाले ने फिर उसके लड़के जो धमल का लड़का था रोशन लाल वहाँ पे, उसने वहाँ से अपने मैनेजर था वहाँ का राम सरन जुब्बल का, उनका और जब जुब्बल का स्टाफ भी हिमाचल का सारा स्टाफ था उसका, वहाँ पे मुंशी मसदी ये वो मैनेजर, वहाँ से फिर भेजा चपरासी। हाँ, 3 दिन लगे हमें रोड तक पैदल, 3 दिन लगाए वहाँ, चौथे दिन पहुँच गया रोड। चौथे दिन रोड पहुँचे, उसने दफ्तर था उनका वहाँ पर, वहाँ रोटी रोटी खाई, ये रामसर से मुलाकात, मैनेजर से मुलाकात हुई, जो मुंशी वहाँ क्या नाम गए थे उनका भी नाम बताया, बालानंद ध्यानदास सुखराय सुखराम, वो उधर मुंशी थे वहाँ, कैंप लगा कर बैठे थे जंगल। वहाँ से चपरासी भेजा थे नगरी के साथ, हाँ भेज रामसर ने, जो चिट्ठी पे कुछ ये नहीं थी भाई, फोन शोन कहाँ थे, चिट्ठी लिखी उनको भेजे नगरी को उठाओ काम शुरू कराओ। पहुँचे फिर जंगल, जंगल में पहुँचे वो क्या जंगल बिल्कुल मैदान, पानी भी ठीक ठाक, गोदाम भी नजदीक, किया काम शुरू। काम शुरू किया हमने तो कोई महीना हो गया, तो हमने कहा हमारा एक रिवाज है, तो क्या रिवाज, मैंने कहा हम जब काम शुरू करते हैं तो हम जंगल बकरी लेते हैं धर्म से, तो तुम दे दो एक बकरा हमें, दे हमारा रिवाज क्या कोई बात। रामसाना मैनेजर भी आ गया वहाँ जंगल में, कहता कोई बात नहीं हम तुम्हें दे देंगे बकरे बकरा। तो वहाँ का रिवाज है कि वहाँ के देवते होते हैं, वो भादो महीने में सावन महीने में वो उनके बड़े देवते होते हैं, तो वो जाते हैं, उनकी करनी होती है भेड़ बकरियाँ देवते के नाम पर है जी, तो उनसे जो वो से वहाँ से क्या नाम बकरा लाया, हमारे हवाले कर दिया, काटा बांटा अपनी नगरी को, कुछ उनको भी दिया घर वालों को भी। सावन महीने की बात है, हम गए थे अप्रैल में बैसाख में, तो सोन तक हमने वहाँ काम करते, वहाँ पहुँच बैसाखी में शुरू किया था, एंड बैसाख में काम आज रेट हार 2 महीने हमने लगाए उधर चिरान पर, तो हमारे माल निकल 3,000। अच्छा, 3,000 में चिरान हो गया 10 रुपया। जब हो गया तो मैंने कहा आप क्या करूँगा, मैंने कहा राम सरन से,
उससे मेरी दोस्ती हो गई बड़ी जबरदस्त मैनेजर से, कहता तो मुझे बड़ा प्यारा है, बड़ा बेहतरीन आदमी है, कहता मेरा घर जुब्बल है, मैं तुझे वहाँ ले जाऊँगा, मुझे औलाद नहीं थी, मैंने दो शादी की, कोई बात नहीं। जब भी मैं रोड दफ्तर जाता, वो ज्यादातर रोड रहता ना दफ्तर में, बस फिर तरह मगर रहता है कोई साहब, सारों को निकाल देता है, कमरे में बिठाता है मुझे, वो गप्पे बाद में आनंद आया था, कोई साहब है मैनेजर से बड़ी बन गई। फिर जब हमारे जंगल में आता तो फिर वो देखता है तुम्हारी औरतों औरतें भी थी ना साथ हमारे, अच्छा वो चूल्हे देखता, सफाई देखता, दर्जा सर नाम रोक देता, मिस्त्री को भी जिसका माल अच्छा साफ सुथरा हो उनको दस दस बीस बीस रुपये ना देता था। मैंने कहा अब यार अब तो पेशगी हमें चाहिए, पैसे चाहिए, 35 सौ के तक तुम्हारा गल्ला खाया हमने, पैसा तो हमने घर से लाया, तो अब मैं तो हमें तो अब पैसा मिलना चाहिए, चल मैंने परसों जाना है शिमला, चल चार नहीं चलता, चल लाले के पास चल चलते हैं, चल वाले के पास, उसका लड़का था रोशन लाल, उसके नाम पर थी लीज, जो धमाल वहां नहीं था तो वो चलते होशियारपुर, वहां था वो रोशन लाल जिसके नाम पर वो लीज थी काम की, चले तो पैदल चलना था वहन छो, उसने फिर घोड़ा किया अपने लिए, तब कुछ भी कंपनी का घोड़ा था कंपनी वालों का, मेरे लिए वहां से रोड से घोड़ा बना दिया, घोड़े पर गए फिर ऑफिस में पहुंचे शिमला, सावन में जुलाई में सावन है कोई पर नहीं सोने सावन की 15-16 की बात है, पहुंचे वहां, पहुंचे लाला था वहां बैठा हुआ अपने दफ्तर में, वहां पर मालतन रोड में उनकी बड़ी कोठी है, मालतन रोड, मालतन रोड, अच्छा रोड जहाँ के ये गिरजा घर इन्होंने अंग्रेजों की शादी आदि होती है, अच्छा अच्छा और बहुत बेहतरीन जगह है, 2 मील तक वहाँ कोई थूके बिल्कुल, कुफरी तक कोई थूके, 2 मील वहां से कुफरी है, कोई सर पर थूके तो उसी को जुर्माना, थूकना भी नहीं, इतना साफ तफ्तीश, तो मालता रोड में जो जगह थी वहां पर ऐसा होता था 8 बजे वो देखा हमने वहां 8 बजे ये जब यंग लोग थे जवान लड़के और लड़के वहां अपने पसंद की उनके आपस में डिस्कशन कर रहे होते थे, डिस्कशन करते थे शादी करते थे, अच्छा ये पसंद लड़का आ गया उसको लड़की आ गई चल हो जाता था, अच्छा हर रोज 8 बजे ये शो होता था वहां, पहुंचे वहां पे गए, वो तो उस राम सर ने मुझे बताया, मुझे क्या पता था वहां का पता, तो जब वहां गए लाले के पास, लाले की कोठरी लंबी पहन चो बड़ा भूत, अच्छा ये है भाई वो मुझे कहता है क्या नाम है तेरा, मैंने अच्छा भाई तुमने लफड़ी लाई है, मैंने कहा जनाब 3,000 माल तो आपने निकाल ही दिया, आपने अच्छे काम करने वाले हैं, राम शाम के था मैंने दोहरा किया, बस क्लास मिस्त्री हैं, पुराने मिस्त्री हैं, माल जैसा शीशा बनाया हुआ है, ठीक है भाई ठीक है, मैंने इसको जंगल बकरिया भी दे दिया, जो अच्छा किया तो अच्छा किया, चलो हुआ अच्छा भाई आप कैसे आए, राम सर ने कहा कैसे आए, इसने घर से मैंने कैसे पैसे कहाँ से लाए पैसे, तुम समझदार तुम्हारे पास पैसे हैं, मैंने कहा नहीं कहा एक से दूसरे तीसरे लेकर के लाए उधार कर्जा उठाकर, अच्छा बड़ा शौक था आपको, मैंने कहा राम सर ने कहा दे दो पैसे, कितने मुन्नू मुझे कहता मुन्नू कितने पैसे चाहिए, मुन्नू कहता है मुन्नू कहता है मुन्नू कितने पैसे चाहिए, मैंने कहा दे दो 15,000 वो तो बड़ा है यार ये तो बड़ा है, उस वक्त पैसे की बड़ी कमी थी, कहता ये तो बड़ा है, मैंने कहा अब ये तो बड़ा नहीं है, हमने 3,000 माल तो निकाल लिया, तो अभी ये सावन महीना है इसे आगे मैंने दिसंबर तक कितना माल लिया, वो तो भाई ठीक है बाद में दे दूंगा मैं, लेकिन इस वक्त मेरे पास नहीं है पैसे, लहू जो है बहन जी राम सर ठेकेदार, राम सर कहता जो काम करने वाले अगर आपके मुझे ठेकेदार वो कहाँ है, तुम काम तेन उ नहीं बहन
वो कहाँ है? ये बेचारा बिना पेश के यहाँ पहुँचा हुआ है, आप कह रहे मेरे पास पैसे नहीं, जहाँ से वहाँ से आप दे दीजिए पैसे, ला लिया यार क्या करूँ, अच्छा सो जाओ, जो दीजिए तस्कर सो जाओ, जाओ दफ्तर में नीचे दफ्तर में जाओ सो जाओ, सुबह फिर आना 9 बजे जी, दो दस द्वार दोनों बैठे हैं, हम लोग दोनों तक रोटी कर रहे हैं, 9 बजे फिर हाजरी जी जैसे हाजरी 9 बजे आप राम धर्म तो भाई बना 20,000 मांगता है भाई, तो चल 15,000 रुपये दे देता, अच्छा भाई आप बताइए पूरा आपने देना है, मतलब करनी है रजिस्ट्री कैसे करना है, क्या करना है, बीमा करना है ना नहीं, क्या करना है? मैंने इसमें 2,000 रुपया ट्रांसफर इंतजाम सर तो नहीं यार, तो एक 10,000 रुपये 5,000 कुछ रखा 15,000 मैंने क्या, तो ठीक ही रहता थे अपने पास पैसा होना चाहिए, राम सर ने मानी भाई नहीं, मैंने कहा चल ठीक है रखता हूँ मुझे क्या, मैंने कहा आप 10,000 की कर लो बीमा, तो ये 5,000 मेरे साथ रखूँगा, क्योंकि खर्चा बर्चा होता नौकरी को, और बीमार होता बोल क्या कपड़ा फटता है क्या होता है देना पड़ता है, अच्छा चलो ठीक करो कुछ, मैंने 15,000 लिख मेरे अग्रीमेंट जैसे भरने जा रहे 10,000 मैंने क्यों बाजी गए उन्होंने डिटेल लिखी डाक आनो डिस्ट्रिक्ट तहसील दर चेक का भी कौन होता था कि कैश चेक का रजिस्ट्री कर दी को बोला मैं हमें इतना लोग आवाज़ चले काले अच्छा अच्छा तो इतना रजिस्ट्री भेज तो दें कैसे अच्छा अच्छा तो हमें बोला आप अगर जिन तो और कौजी बहन वही रजिस्ट्री हाँ रजिस्ट्री कर दी जंगली माए तहसील 12 महीने बोधन के देव से हर डोमे मत देव तो बोते हर डोमे कहनी बकरे 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 तो जैसे शो गुड़ाको शेक हुए देव तो मैं गुड़ा के गा दे गुड़ा कर के गा दे चेक रब कह रही छठे चले तेने डोमे डोमे चलते और मेले लगते राम सर ने मने आम भाई इधर उधर हमारे क्या नाम रोड में मेला लगना है जबरदस्त होता मेला वहाँ पे तो उधर आ गया चला गया मैं उधर हमारी नफरी भी गई वो मेला देखो चिराग वहाँ का गेस वीर को चिराग जैसा बत्ती जी थे खूब बड़ी जैसे लोग चिराग के उसको वो जगह हमारे वहाँ पर फर्स्ट क्लास मेला लगा ये हिमाचल वालों का वो शिमले गाने कभी इधर कभी उधर कभी चलते रहे फिर वहाँ से फिर दूसरे गांव तीसरे गांव जो निजी गांव थे हम भी जाते रहे जब रोडों में ये मेला शुरू हुआ था राम सरना छोड़े मुझे कि चल मेरे साथ नाच ये इस बाजू से बाजू मिलाकर नाचना उसने मुझे वो नाच सिखाया मैं भी लगा नाचा उनके साथ तो वह जहाँ भी वहाँ नजदीक नजदीक जंगल के जो गांव थे तो वो राम सर उधर आ गए नाचने और मेले हम भी नाच रहे मनाते रहे तो जब घर पिताजी को पैसे पहुँचे हमारे घर से बड़े प्यार से चिट्ठी लिखते हैं मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप ये पैसा दे देंगे ये घर को गया पैसा क्या करेगा खुश हो गए चल ठीक है बस फिर हम हमें क्या था वहाँ जंगल हमें कहाँ कहाँ था इस तरह फिर जबल में मेला हुआ फिर जबल में उसके घर में उसके गांव में गांव में बड़ा
वहाँ में मेला लगा, वहाँ माम चला गया, रोटी रोटी खाई। उसका मैंने देखा एक मकान फर्स्ट क्लास नीचे बड़ा भारी एक बनाया हुआ शर्ट, उसने पहन छो शर्ट जैसा बड़ा लंबा। वहाँ जाता हूँ तो वहाँ वो टंगने लगाई हुई हैं, पहन छो थे बकरे टंगे हुए हैं। अच्छा हाँ शेर है राम कार कर। हाँ ये मैंने कहा ये क्या सिलसिला बहन जी इधर। वो कहता यार जब बर्फ पड़ती है चाले में तो दाले नहीं खाते हैं। मैंने क्या खाते हो? ये देखो ये दाले सुखाया मिर्च को नमक हल्दी वगैरह सब मिला मिलो कर ये सूख जाता है तो जाकर काट ले तो खाते हैं आराम से। अरे बहन जो अच्छा सिलसिला याद मारा। फिर उसने अपनी बीवियाँ देखा ये है मेरे भाई ये कहाँ गए हैं। कहते यार मेरा मित्र है। अच्छा ये मेरा मित्र है मेरा भाई है। उन्होंने बेचारों ने मेरी बड़ी स्वागत की वहाँ पे अच्छे क्या दिया क्या नहीं हुआ। दो दिन वहीं बैठा रहा। अच्छा जो बोल उसके पास है। अच्छा उन लग बोल उसकी बीवी के साथ कब से माता रहा। चलो वो भी देखा उसका मेला भी देखा। चल खाली गपशप या रोमांस वगैरह भी हो कुछ है? खाली गपशप हाँ खाली हो अच्छा तो बिल्कुल अच्छा में नहीं जाता। जो तो मेला लगा